झारखंड में सुखाड़ जैसे हालात हैं, ज्यादातर जिलों में धान की रोपनी काफी कम हुई है। ऐसे में अर्थशास्त्रियों की राय है कि जिस फसल में कम पानी की जरूरत होती है किसानों को वो फसल लगाने चाहिए। अर्थशास्त्री डॉक्टर हरीश्वर दयाल से बात की हमारे सहयोगी राजेश ने। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर हरीश्वर दयाल, उनसे जानेंगे कि झारखंड में धान की फसल मुख्य फसल है और यहाँ के लोग चावल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इस बार जो पैदावार होगी उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या असर पड़ सकता है? इस पर लोगों की जीविका पे काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि उनकी जीविका आश्रित है इस धान की खेती पे, जो उनका खरीफ क्रॉप जो है, मेन क्रॉप है उनका। तो कुछ चीज़ें हैं, ये तो एक तो धान की कुल अगर उपज क्षेत्र देखें तो उसमें करीब 70% की गिरावट आई है, अभी नहीं हुआ है। कुछ जगह और छींटा धान वगैरह हो सकता है, और कुछ दूसरे फसल हैं जो कि कम बारिश में हो जाते हैं, वो हो सकता है कि वहाँ पर अभी संभल जाए कुछ, लेकिन फिर भी उनकी जीविका पे इसका खासा असर पड़ेगा। और अगर लेट मानसून या विंटर मानसून भी कम आता है तो रबी भी अफेक्टेड होगा, क्योंकि इसी मॉइस्चर को से रबी क्रॉप भी होता है। तो ये स्थिति है जिसके कारण लगता है कि माइग्रेशन ज़्यादा होगा या दूसरी स्थिति होगी। सरकार झारखंड के बहुत सारे राज्यों को सूखाग्रस्त क्षेत्र डिक्लेयर कर रही है, अगर केंद्र से मुआवजा आ जाए, अच्छी तरह से अगर सहायता मिल जाए तो इन लोगों को मुआवजा समय पर मिल सकेगा, और जिसके कारण इनकी जीविका पे उतना बुरा असर नहीं पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में देखें तो किसानों को वैकल्पिक खेती पर भी फोकस कर सोचना होगा, और बहुत हद तक हो गया है। जैसे JSLPS वगैरह अगर देखिए तो आप ड्रिप इरीगेशन को काफ़ी प्रमोट किया है, तो जैसे अनगढ़ा वगैरह क्षेत्र में जाएँ तो आप देखेंगे काफ़ी बड़े स्तर पे सब्जी की खेती या मस्क मेलन की खेती हो रही है, वो ड्रिप इरीगेशन के थ्रू, या बहुत जगह और भी ऐसे क्रॉप उपजाए जा रहे हैं जहाँ पर कि कम मॉइस्चर से हो सके, तो वो हम लोगों को अपनाना विचार करना पड़ेगा। हाँ, परंपरागत रूप से जिस प्रकार से झारखंड में धान की खेती होती रही और किसान इस खेती पर निर्भर करते रहे हैं, तो उन्हें अब वैकल्पिक खेती की ओर आगे बढ़ना चाहिए, और जो भी फसल है, चाहे वो सब्जी हो या अन्य जो जिनमें कम पानी की ज़रूरत होती है, उनके उत्पादन से भी अच्छा पैसा मिलता है और उनकी पूंजी जमा हो सकती है, उनका जीवन यापन बेहतर हो सकता है, तो इस ओर किसानों को ध्यान देना पड़ेगा। कैमरामैन कौशल के साथ राजेश कुमार, न्यूज 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।